रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है लोगों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा, अब वो स्थिति बिहार में शुरू हुई। बिहार में लगातार पक्ष और विपक्ष के बात करी तो एक दूसरा के ऊपर तोहमत लगा के, एक दूसरा पर नुक्ताचीनी करके और एक दूसरा के कमी निकाले खातिर बिहार फेमस हो गया। बात जब सत्ता और विपक्ष के होता तो एजा नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू और लालू प्रसाद के पार्टी आरजेडी हमेशा आमने सामने रहता। मुद्दा कोई भी हो के दोनों एक दूसरा के टांग खींचे में कहीं भी पीछे ना हटे। हालांकि पिछला कुछ दिन से नीतीश कुमार जी के राहत महसूस हुई ऐसे कि 30 तारीख के जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए ओकरा बाद से उनका के बात बात पर उसकावे वाला और उनकर कमी निकाले वाला उनकर भतीजा तेजस्वी यादव ओझल बाण। बिहार के राजनीति से ओझल बाण, बिहार से ओझल बाण, कहाँ बाण यह बात के अभी तक ले सही सही आकलन और सही सही पता आरजेडी के तरफ से कोई ना दिया। ये तो एक अलग विषय का चर्चा के और चर्चा हो भी रहा गुरुए विपक्ष और सत्ता के साथ साथ उनका अब साथी लोग भी उनका तलाश में उनका खोज में तो हमें लागल गुड़ुए। लेकिन अभी तक ले पता ना चलो, जानकारी मिल रहा कि 28 तारीख के जब मानसून सत्र के शुरुआत हुई ओकरा पहले वो बिहार के धरती पर अपन पैर जमी है। खैर ये तो बात हो रही है, लेकिन ये बीच में नीतीश कुमार जी चारों तरफ से घिरल नजर अले और घेरे वाला में जो आरजेडी बहुत ज़्यादा मुखर होकर के उनका के घेरत रहा ओकरा में कमी भले आ गई रुके, लेकिन कांग्रेस उनका के उनकर कमी और उनकर गलती लगातार उठावत रहा। ये बीच बीच में कुछ आरजेडी के भी नेता लोग जौन सामाजिक रूप से जागरूक हुए बिहार से जिनका मतलब बा वो मुद्दा उठावत रहे हैं। रघुवंश प्रसाद की बात अगर करनी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बात करनी, शिवानंद तिवारी के बात करनी, ओकरा साथ साथ युवा अध्यक्ष जौन बान आरजेडी के स्वयंकारी उहो यह बात के लेकर के लगातार बयान देता रहे। और मुजफ्फरपुर में AES से भईल बच्चा लोग के मौत पर वो लगातार अपन नजर बनौले बड़े। कई हाली बातचीत के दौरान वो हमनी से भी अपन दुख व्यक्त कर रहा, हालांकि वो पटना से बाहर बा और दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान वो बिहार के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता बा और एक बच्चा के मृत्यु भैया से वो हमनी से बातचीत के दौरान भी कई हाली अपन विचार व्यक्त कर चुकल है। एक साथ साथ जो युवा राजद गुड़ुए वो भी लगातार अरुण कुमार के भी बात कर ली जो मीडिया प्रभारी पर है वो लगातार बात करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ से एक भी बयान ना आना है मुद्दा पर और उनका पूरी तरह से ओझल होना निश्चित चिंता के कारण हो गया। अब जब शुरुआत में रुक बतनी है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होला, मुजफ्फरपुर में डॉक्टर लोग अब नपे लगा हुए हैं। ये मामला में सरकार भले अपन साख बचाओ तो के स्वास्थ्य मंत्री साख बचाओस, मुख्यमंत्री जी अपन साख बचाओस, लेकिन अंततः अगर बलि कोई के देवे के होके तो वो सॉफ्ट टारगेट खोजाला यह बात के तरफ इशारा कैले बड़े स्वयंकारी। बातचीत के दौरान भी स्वयंकारी बात कहले हैं और ट्वीट के माध्यम से भी लिखत रहे कि सरकार में अगर हिम्मत बा तो कोई बड़ा एक्शन लेके देखो। पिछला 5 साल पहले यह भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय रहन वो सुधार के बात कर रहन और स्वास्थ्य विभाग अब भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में बा और बिहार में भी बा। नीतीश कुमार जी में अगर हिम्मत उड़ गए तो अपना स्वास्थ्य मंत्री जो ने पूरे मामला में सबसे बड़ा दोषी बा उनका के उनका पद से हटा कर इस्तीफा दिवा करके मंत्रिमंडल से हटा के देखो। वो अपना ट्वीट में लिखा था रे कि नीतीश कुमार अपनी सरकार की लापरवाही को छुपाने के लिए SKMCH के सीनियर डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिए। नीतीश जी में अगर थोड़ी भी हिम्मत और नैतिकता हो तो मौत के असल जिम्मेदार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अपने मंत्रिमंडल से
हटाकर दिखाएं। हालांकि एकरा पहले भी लगातार नीतीश कुमार जी घेर रहे, नीतीश कुमार जी के घेरे वाला में सिर्फ विपक्ष ना उनका साथी लोग भी बात। अब देखे वाला बात हुई कि स्वयंकारी जॉन आरजेडी के युवा अध्यक्ष वाणन बिहार के, उनका एक बयान के बाद, एक हमला के बाद आरजेडी की तरफ से चुप्पी साल दिया था कि फिर एक कोई प्रतिक्रिया होगी। हालांकि ये खुशी के बात बोलूँ कि सरकार के प्रयास और मीडिया के लगातार सरकार के स्थिति परिस्थिति के दिखावे के चलते अब स्थिति सामान्य हो रहा बा और बच्चा लोग ठीक होकर के अस्पताल जा रहा बा। पिछला 24 घंटा में कोनो तरह के कैजुअल्टी के सूचना नहीं खे मिला। जुड़े रहिए सभी न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबर के सिलसिला जारी बा। अगर हुआ सब्सक्राइब नहीं की पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसे इस खबर लगातार लोगों के जो सबसे पहले मिली वो एजे मिली। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।